हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। दिस इज द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर द स्पेकल्ड बैंड टू। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट वन वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट वन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पार्ट वन वाले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि कैसे मिस हेलेन स्टोनर ने अपनी खिड़की पर लैंप जलाकर मिस्टर वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन और शार्लक होम्स को सिग्नल दिया था, और उस सिग्नल को देखकर वे लोग अंधेरे रास्तों से होकर उस कमरे तक जा रहे थे। तो वहीं से हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेकिंग आवर वे अमंग द ट्रीज वी रीच द लॉन, क्रॉस्ड इट एंड फाउंड आवर सेल्व्स इनसाइड द बेडरूम। तो पेड़ों से होकर हम लोग लॉन तक पहुँचे, फिर हमने लॉन को क्रॉस किया और फाइनली अपने आप को हम लोग बेडरूम के अंदर पाए, मतलब हम लोग किसी न किसी तरह बेडरूम के अंदर चले गए। माय कंपेनियन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस स्टोरी के जो नैरेटर हैं वो हैं डॉक्टर वॉटसन, और वो अपने कंपेनियन मतलब शार्लक होम्स के बारे में बात कर रहे हैं। माय कंपेनियन नॉइजलेसली क्लोज द शटर्स, मूव द लैम्प ऑन टू द टेबल एंड कास्ट हिज आईज राउंड द रूम। और मेरे साथी मतलब शार्लक होम्स ने बिना आवाज़ किए शटर्स को बंद कर दिया, उसने लैम्प को उठाकर टेबल पर रख दिया और अपनी नज़रों को रूम के चारों तरफ दौड़ाया। देन ही विस्पर्ड इन टू माई ईयर जेंटली, फिर शार्लक होम्स ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए हल्के आवाज में कहा, द लीस्ट साउंड वुड बी फेटल टू आवर प्लान्स, कि अगर हल्की सी भी आवाज़ हुई तो हमारा पूरा का पूरा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आई नॉडेड टू सो दैट आई हैड हर्ड, मैंने अपने सिर को हिलाया ये बताने के लिए, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया या मैंने तुम्हारी बात सुन ली। वी मस्ट सिट विदाउट लाइट, उसने कहा कि हमें बिना रोशनी के, बिना लाइट के ही बैठना चाहिए। ही वुड सी इट थ्रू द वेंटिलेटर, कौन देख लेगा, तो डॉक्टर जो रॉयलॉट हैं वो देख लेंगे वेंटिलेटर के माध्यम से, अगर हम लोग अपने कमरे में रोशनी करेंगे तो, क्योंकि जो वेंटिलेटर है वो बाहर की तरफ खुला हुआ नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में खोल दिया गया है उस बेवकूफ़ से बिल्डर के द्वारा, तो हमें अपने कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं करनी होगी, नहीं तो डॉक्टर रॉयलॉट को पता चल जाएगा कि इस कमरे में कोई है। आई नॉडेड अगेन, मैंने फिर से अपने सिर को हिलाया। होम्स हैड ब्रॉट अप अ लॉन्ग थिन केन एंड दिस ही प्लेस्ड अपॉन द बेड बिसाइड हिम, शार्लक होम्स अपने साथ एक लंबा सा पतला सा डंडा लेकर आया था, एक स्टिक लेकर आया था, और उसने उस डंडे को अपने बेड पे बगल में रख लिया था। देन ही टर्न डाउन द लैम्प, फिर उसने लैम्प को बुझा दिया एंड वी वर लेफ्ट इन डार्कनेस, और इस तरह से हम लोग बिल्कुल अंधेरे में हो गए। 12 स्ट्रॉक एंड 1 एंड 2 एंड 3, सबसे पहले 12 बजा, फिर उसके बाद 1 बजा, फिर उसके बाद 2 बजा, फिर उसके बाद 3 बजा, एंड स्टिल वी सैट वेटिंग साइलेंटली फॉर वॉट एवर माइट बी फॉल, और अभी भी 3 बजे तक हम लोग चुपचाप बिना आवाज़ किए बैठे हुए थे और किसी भी अनहोनी के होने का इंतज़ार कर रहे थे। सडनली देर वॉज द मोमेंट्री ग्लीम ऑफ ए लाइट अप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेंटिलेटर, अचानक से बस थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर के उस तरफ से एक हल्की सी रोशनी एक हल्का सा प्रकाश देखने को मिलता है, विच वॉज सक्सीडेड बाय ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग ऑयल एंड हीटेड मेटल, और उसके तुरंत बाद मतलब उस रोशनी के देखने के तुरंत बाद एक तेल के जलने जैसी बदबू और मेटल को गर्म होने की जो बदबू आती है वो स्मेल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल सूंघने को मिलता है, महसूस होता है। समवन इन द नेक्स्ट रूम हैड लिट अ डार्क लैंटर्न, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बगल वाले रूम में किसी डार्क और काली से भरे हुए लालटेन को जला दिया है। आई हर्ड अ जेंटल साउंड ऑफ मूवमेंट, तभी मैंने हल्का सा मूव करने का, चलने फिरने का एक हल्का सा मध्यम सा आवाज़ मैंने सुना, एंड देन ऑल वॉज साइलेंट वंस मोर, और एक बार फिर से चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। फॉर हाफ एन आवर आई सैट विद स्ट्रेनिंग ईयर्स, लगभग आधे घंटे तक मैं अपने कान को
खुला रखकर बैठा रहा ताकि कोई भी छोटी से छोटी आवाज़ मैं सुन सकूं। देन सडनली अनदर साउंड बिकेम ऑडिबल, फिर अचानक से एक दूसरा साउंड जो है वो सुनाई देने लगा। अ वेरी जेंटल सूदिंग साउंड लाइक दैट ऑफ अ स्मॉल जेट ऑफ स्टीम स्केपिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अ कैटल। और ये जो साउंड था वो काफ़ी जेंटल था, एकदम स्मूथ था, सूदिंग, मतलब इस आवाज़ को सुनने से काफ़ी सुकून मिलने वाला था और ऐसा लग रहा था किसी केतली से भाप जो है वो तेज़ गति से एक जेट इंजन की तरह बाहर निकल रहा है, जैसे इस तरह से करके किसी केतली से या प्रेशर कुकर से जो साउंड आता है उस तरह से एक साउंड आ रहा था। द इंस्टेंट दैट वी हर्ड इट, और जैसे ही हमने उस आवाज़ को सुना, होम्स स्प्रैंग फ्रॉम द बेड, होम्स, शार्लक होम्स जो है वो बेड से उछल कर कूद कर बाहर आता है, स्ट्रक मैच, माचिस जलाता है, एंड लैस्ट फ्यूरियसली विद हिज केन एट द बेल पुल, और वो जो घंटी की जो रस्सी है, मोटी वाली रस्सी, उस पर अपने डंडे से जोर से मारता है। यू सी इट वॉटसन, ही येल्ड, यू सी इट, अब वो चिल्लाते हुए कहता है, वॉटसन तुमने देखा, तुमने देखा इसे, बट आई सॉ नथिंग मिस्टर वॉटसन कहते हैं कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। एट द मोमेंट व्हेन होम्स स्ट्रक द लाइट आई हर्ड अ लो क्लियर विसल, की अब यहाँ पे मिस्टर वॉटसन कहते हैं कि जैसे ही शार्लक होम्स ने लाइट जलाई थी तो मैंने एक हल्की सी क्लियर सी विसलिंग, मतलब सीटी बजने की आवाज़ सुनी थी, बट द सडन ग्लेयर फ्लैशिंग इन टू माई वियरी आईज मेड इट इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल वॉट इट वॉज एट विच माई फ्रेंड लास्ट सो सैवेजली। लेकिन जब अचानक से शार्लक होम्स ने जो लाइट जलाई थी और मेरे थके हारे हुए आँखों में उसकी चमक इस प्रकार से पड़ी हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा था कि वो क्या चीज़ थी जिस पर मेरे फ्रेंड ने इतने सैवेजली, इतने आक्रामक रूप से वार किया था, डंडे से मारा था। सडनली देयर ब्रोक फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द नाइट द मोस्ट हॉरिबल क्राई ऑफ विच आई हैव एवर लिसन्ड, तभी अचानक से रात के उस सन्नाटे से एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये ऐसी चिल्लाने की आवाज़ थी जिसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना था। What can it mean? I gasped, मैंने हाँफते हुए कहा कि इस आवाज़ का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब अब क्या हो सकता है। It means that it is all over, शार्लक होम्स कहता है, इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। होम्स answered, and perhaps after all it is for the best, और शायद इसके बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। We will now enter Dr. Roylott's room, और शार्लक होम्स कहता है कि अब हम लोग डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में जाएंगे। With a grave face he lit the lamp and led the way down the corridor, अपने एकदम serious grave चेहरे के साथ वो lamp को जलाता है और हम लोग corridor से होकर चले जाते हैं, कहाँ पर, डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में। Twice he struck at the chamber door without any reply from within. अब शार्लक होम्स दो बार डॉक्टर रॉयलेट के डोर को नॉक करता है बट वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। Then he turned the handle and entered. फिर वो मतलब डोर के हैंडल को घुमाता है और कमरे में एंटर कर जाता है। I at his heels, मैं एकदम उसके पीछे पीछे था, एकदम सटा हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। It was a singular sight which met our eyes, और वहाँ पे जो चीज़ें हमने देखी, हमारी आंखें जिन चीज़ों को देख रही थी, वो एकदम एक अजीब सा नज़ारा था, एक स्ट्रेंज नज़ारा था। On the table stood a dark lantern throwing a brilliant beam of light upon the iron safe, हमने वहाँ पर देखा कि टेबल पर एक लालटेन था, वो काफ़ी डार्क था, काफ़ी काला था, और उस लालटेन की रोशनी जो है वो उस बड़े से लोहे की तिजोरी पे पड़ रही थी। बिसाइड दिस टेबल ऑन द वुडन चेयर सैट डॉक्टर रॉयलेट क्लैड इन अ लॉन्ग ग्रे ड्रेसिंग गाउन, और वहाँ पर उसके बगल में जो एक लकड़ी की बनी हुई कुर्सी थी, उस कुर्सी के ऊपर डॉक्टर रॉयलेट बैठे थे, और डॉक्टर रॉयलेट ने एक लंबा भूरे रंग का, ग्रे कलर का गाउन पहना हुआ था। His chin was cocked upwards and his eyes were fixed in a dreadful rigid stare at the corner of the ceiling. उनका जो चिन था, उनकी जो ठुड्डी थी, उनकी जो नीचे वाला जो दाढ़ी का पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ था,
उनकी आंखों में डर दिख रहा था और उनकी रिजिड आंखें, उनकी डरी हुई आंखें छत के सीलिंग के कॉर्नर की तरफ निहार रही थी, घूर रही थी। राउंड हिज ब्रो ही हैड अ पेक्यूलियर येलो बैंड, और अपने ब्रो, अपने माथे के चारों तरफ उन्होंने एक अजीब प्रकार का येलो कलर का बैंड पहना हुआ था, जिसे हम लोग हेड बैंड कहते हैं, विद ब्राउनिश स्पेकल्स। और उस येलो कलर के बैंड में ब्राउनिश मतलब भूरे रंग का स्पेकल था, मतलब दाग था, धब्बा था, चित्ती था, विच सीम टू बी बाउंड टाइटली राउंड हिज हेड। और ऐसा लग रहा था कि उस बैंड को उनके हेड के चारों तरफ काफ़ी टाइटली जो है वो बांधा गया है। As we entered, जैसे ही हम कमरे में एंटर किए थे, he made neither sound nor motion, ना ही वो कुछ बोले थे और ना ही उन्होंने वहाँ से हिलने डुलने की कोशिश की थी। The band, the speckled band, whispered Holmes, तभी Sherlock Holmes मेरे कान में फुसफुसाने लगता है, whisper करने लगता है, अरे ये तो बैंड है, ये तो speckled band है। अगर आपने चैप्टर नंबर 12 द स्पेकल्ड बैंड 1 देखा होगा और इस चैप्टर द स्पेकल्ड बैंड 2 के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखा होगा तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो स्पेकल्ड बैंड है वो क्या है। ओके, लेट्स सी। इन एन इंस्टेंट हिज स्ट्रेंज हेड गियर बिगन टू मूव। अब थोड़ी ही देर के बाद अजीब व गरीब तरीके का जो हेड गियर उन्होंने पहना हुआ था, देखिए हेड गियर किसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कि हम लोग अपने सिर में पहनते हैं, अपने माथे में पहनते हैं सेफ्टी के लिए, जैसे कि हेलमेट हो गया, फिर उसके बाद टोपी हो गया, इस तरह की कई सारी चीज़ें जिसे हम लोग हेड गियर कहते हैं, मतलब माथे में सिर में पहनने वाली चीज़ों को। तो थोड़ी ही देर के बाद जो अजीबोगरीब तरह का वो जो येल्लो सा जिसके ऊपर ब्राउन कलर का धब्बा था, वो हेडबैंड अब मूव करने लगता है, हिलने लगता है। एंड देयर रियर्ड इट्सेल्फ फ्रॉम अमंग हिज हेयर द स्क्वाट डायमंड शेप्ड हेड एंड पफ्ड नेक ऑफ अ लोथसम सर्पेंट। और थोड़ी ही देर के बाद उनके बालों के पीछे से एक छोटा सा चौड़ा सा डायमंड शेप का एक हेड जो है वो अपने गर्दन को, अपने फूले हुए गर्दन के साथ ऊपर उठाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये तो एक सर्पेंट है, ये तो एक सांप है, और बहुत ही जहरीला सांप है। लोथसम सर्पेंट कहने का मतलब एक ऐसा सांप जो कि दलदल भूमि में रहता है और बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो उनके माथे में जो चीज़ लिपटी हुई थी वो कोई बैंड नहीं था, वो एक सांप था। इट वॉज अ स्वैम्प एडर। ये स्वैम्प एडर कहने का मतलब दलदल भूमि में रहने वाला सांप जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। क्राइड Sherlock Holmes, द डेडलीस्ट स्नेक इन इंडिया, He has died within 10 seconds of being bitten. और जैसे ही वो सांप डॉक्टर रॉयलेट को काटता है उसके 10 सेकेंड के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। Violence does in truth recall upon the violence. अब यहाँ पर हमारे ऑथर जो हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल वो कहते हैं कि हिंसा का परिणाम हिंसा ही होता है। And the schemer falls into the pit which he digs for another. और अगर कोई धोखेबाज आदमी है वो किसी को धोखा देने के लिए गड्ढा खोदता है तो उससे पहले ही वो अपने ही द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर जाता है। लेट अस थ्रस्ट दिस क्रिएचर बैक इनटू इट्स डेन एंड वी कैन देन रिमूव मिस स्टोनर टू सम प्लेस ऑफ शेल्टर एंड लेट द काउंटी पुलिस नो व्हाट हैज़ हैपेंड। अब Sherlock Holmes कहता है कि चलो हम लोग इस प्राणी को, मतलब इस सांप को, इस स्पेकल्ड बैंड को इसके मांद में घुसा देते हैं और हम लोग मिस स्टोनर को यहां से अभी निकाल लेंगे और किसी दूसरे जगह उनको जगह दे देंगे, शेल्टर दे देंगे रहने के लिए, और ये सारी बातें हम लोग काउंटी पुलिस को बता देंगे और उन्हें बता देंगे कि यहां पर आखिर क्या हुआ था। तो इस तरह से द स्पेकल्ड बैंड 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को लिखा गया था सर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जिसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, तो इन्हें मैं आप सबको एक बार स्क्रीन पे शो कर देता हूँ जिसे कि आप देख सकें, समझ सकें। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।